हैप्पी बर्थडे टू, अरे यार ये तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। और ये वीडियो है कल का, यानी कि 2nd of September का। और 2nd of September था पापा का बर्थडे, तो हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। बट दोपहर में मैंने ट्राई किया था एक अलग सा सब्ज़ी, आई थॉट मैं आपके साथ इसका रेसिपी शेयर कर देती हूँ। मैंने पैन में ना थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल स्मोक कर लिया, और ये आलू और ड्रम स्टिक्स हैं इसको साफ कर लिया है धो करके, ये मैंने ऐड कर दिया ऑयल के अंदर। थोड़ा सा नमक डाल करके इसको लाइक फुल फ्लेम पे आपको रोस्ट कर लेना है। थोड़ा सा वो चार्ड इफेक्ट आता है ना, कि थोड़ा सा ब्राउनिंग होने लगती है सब्ज़ी की, उस तरह से पक जाएगा ये आगे, उसकी टेंशन ना लें आप। यहाँ मैं मिक्सिंग जार में डाल रही हूँ थोड़ा सा अदरक, थोड़ा लहसुन, हरी मिर्चें, थोड़ी ज़्यादा लग रही हैं देखने में, बट ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है। और प्लस मैं इस सब्ज़ी में लाल मिर्ची नहीं डालूंगी, और हरी मिर्ची एनी डेज़ जो लाल मिर्ची है उससे बेटर ही होती हैं हेल्थ के हिसाब से ना। तो मैं यहाँ पे हरी मिर्ची डाल रही हूँ, और थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर धनिया, फ्रेश हरा धनिया, एक चटनी जैसी बना रहे हैं, और ये चटनी ही है जो ग्रेवी है उसका बेस बनेगी। एक छोटा सा प्याज डाल रही हूँ मेरे पास, क्योंकि यही एक ही प्याज था, आप थोड़ा बड़ा प्याज भी डाल सकते हो। थोड़ा सा जीरा, सौंफ और धनिया डाला है मैंने, सौंफ और धनिया का पाउडर डाला है, आप इसे आखा भी डाल सकते हो, थोड़ा पानी डालकर इसे पीस लीजिए। और वापस से कढ़ाई में मैंने थोड़ा मस्टर्ड ऑयल स्मोक करा है, डाला है इसके अंदर राई और जीरा, और इसके बाद ये चटनी बनाई थी हमने या मसाला, ये ऐड कर दिया है। और डाला है मैंने इसके अंदर थोड़ा सा हींग, थोड़ा हल्दी का पाउडर, और थोड़ा जो दाना मेथी रहता है ना वो। अभी ये सारी चीज़ें मिला करके अच्छी तरह से थोड़ी देर भूनना है, क्योंकि मैंने सारा सारा जो पोर्शन है मिर्ची का वो ले लिया है हरी मिर्ची के फॉर्म में, इसलिए मैं लाल मिर्ची नहीं डाल रही हूँ। आपको हरी मिर्ची नहीं पसंद है, आप नहीं डालना चाहते हैं, तो फिर आप थोड़ा लाल मिर्ची पाउडर डालिएगा, और अच्छी तरह से जैसा आप देख रहे हो ऐसा आपका मसाला भून कर तैयार हो जाए। तो जो आपकी भुनी हुई सब्ज़ी ना, देखिए ऐसा भून लेना है आपको ये सब्जियां, मसाले के अंदर ऐड करें, और एक दो टमाटर ऊपर से ऐसे ही ऐड कर दीजिए। और इसके बाद सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला के कुछ एक सेकंड भून लीजिए, और फिर इसके बाद आपको ऐड करना है इसमें पानी। अब पानी आप आपकी मर्ज़ी से डाल सकते हो, आपको थोड़ा सा थिक थिक सब्ज़ी चाहिए तो कम पानी डालें, थोड़ा ज़्यादा रसा चाहिए तो ज़्यादा पानी डालें। हम इसे राइस के साथ खाने वाले हैं, तो मैंने इसमें काफ़ी सारा रसा रखा है, और ट्राई ज़रूर करना, बहुत अलग सी सब्ज़ी लगेगी। अगर आपको सहजन की फली यानी कि ड्रम स्टिक्स पसंद आती हैं, ये प्रिपरेशन आपको डेफिनेटली पसंद आने वाली है। देखने में भी अलग है, इसका टेस्ट भी थोड़ा अलग रहता है, स्पेशली तो राइस के साथ आप इसे खाना लंच में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टिंग मील ये लगता है। मैंने नमक वगैरह डालकर इसको ढक्कन लगा के 5-10 मिनट पका लिया है। यहाँ देखिए आलू इतने अच्छे पक चुके हैं कि टूट रहे हैं, तो सब्ज़ी अच्छी तरह तैयार हो चुकी है, ड्रमस्टिक भी सॉफ्ट हो गए हैं। वैसे भी ड्रमस्टिक्स देखने में ही ऐसी लगती हैं कड़क कड़क लकड़ी जैसी, इनको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। मैंने गैस कर दिया है बंद, क्योंकि मुझे थोड़ा सा रसा इसमें ज़्यादा चाहिए, और ये बहुत ही टेस्टी सी ड्रमस्टिक की सब्ज़ी होगी तैयार। आप इसे एक बार ना ज़रूर ट्राई करना है, ऊपर से ना थोड़ा नींबू का रस, हरा धनिया आप डाल सकते हो इफ़ यू लाइक दैट, और बस सर्व कीजिए इसे गर्मा गर्म विद राइस। चपाती के साथ भी आप इसे खा सकते हो, बट राइस के साथ इसको खाने का मजा ही अलग है। गिव इट अ ट्राई और बताना मुझे आपको ये कैसा लगा। और क्योंकि पापा का बर्थडे था, तो शर्मा जी गए हुए थे फैक्ट्री, है ना, तो बर्थडे था इसलिए वो थोड़ा सा जल्दी आ गए थे, और वो घर आए तो उसके बाद थोड़ा बहुत रेस्ट किया उन्होंने, और उसके बाद हम लोग आ गए हैं बाहर केक लेने के लिए। बाय द वे बरोडियंस, ये है होटल वेलकम, यहाँ पे हमेशा अच्छा केक आपको फ्रेश वाला मिल ही जाता है, रात में भी जाओगे ना तो भी मिल ही जाता है। हम लोग तो अभी यहीं से ही लाते हैं, चाहे दिन में लाना हो चाहे रात में लाना हो, बर्थडे सेलिब्रेशन के हिसाब से। और हम लोगों ने ले लिया है केक, और एक्चुअली हमारी कार है ना आज बैंग हो गई ऑटो वाले के चक्कर में। यार ये ऑटो वाले ने, बट मेरे को आज गुस्सा आ रहा, पता नहीं क्यों, ऑटो वालों पे बिना इंडिकेटर दिए कहीं पे भी घुमा देंगे। अभी ये देखिए, ये बीच में से कट लेके सामने आ जाएंगे, इधर ऐसे ही ये चल रहा है साथ में, पता नहीं आपके साथ होता है नहीं होता। तो क्या हुआ कि हमारे आगे एक ऑटो वाला था, मैंने मतलब उसने एकदम जोर से ब्रेक प्रेस किया, तो मैंने भी गाड़ी रोकी, तो पीछे कपल था, एल्डरली कपल था, वो लोग बाइक पे, तो वो आके हमारी गाड़ी में सीधा बैंग हुए, बम। वो तो फॉर्चुनेटली उनमें से किसी को भी कुछ चोट नहीं लगी, गाड़ी में भी कोई ऐसा डैमेज नहीं आया, बट सीरियसली यार कुछ को छोड़ के exactly. कुछ लोग अच्छा भी चलाते हैं, लेकिन मेजोरिटी बहुत गंदा चलाती है यार।
वो है ना राउंड अबाउट था, तो राउंड अबाउट पे सबको पता होता है कि अब उनकी टर्न है आगे बढ़ने की, बट वो ऑटो वाला आगे आके खड़ा हो गया एकदम से, शर्मा जी ने जोर से ब्रेक लगाया, तो फिर हमने रुक के वो जो हमारे पीछे अंकल थे उनको पूछा भी कि कुछ हुआ तो नहीं करके, बहुत जोर से पीछे उनका वो शायद स्कूटी पे थे बाइक पे थे, तो बहुत जोर से आके वो हमारे जहाँ नेम प्लेट होती शायद उधर लगाए, क्योंकि अगर बॉडी पे लगता उनका टायर तो डेंट आता, बट लकीली उनको कुछ नहीं हुआ, उसकी इतनी सी नासमझी की वजह से। ओहो कितना बड़ा खड्डा, अगर वो गिर जाते तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती। हाँ सीरियसली उनको बहुत चोट लगती है, बहुत चोट लग जाती है उनको। सानू चलो सीढ़ियों से, चलो चलो सीढ़ियों से चलो, लिफ्ट नहीं है ये, अरे इट्स जस्ट मेरा है, ये लोग तुम्हारी आंखों में फॉग हो गया चश्मे में तुम्हारे के, अरे अरे आराम से, चश्मे में फॉग हो गया, चश्मा पहनने वालों को सबको पता होगा ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, फिर मम्मी की आंखों में फॉग आ गया। और मम्मी क्या चल रहा है? वाइपर लगवा लेती है, वाइपर लगवा ले। और इसके बाद काफी देर हम लोगों ने प्लान किया कि क्या करेंगे आगे, घर पे क्या बनाएं या बाहर जाते हैं तो क्या, या घर पे मंगाते हैं तो क्या। फाइनली डिसाइड हुआ कि हम साउथ इंडियन खाते हैं, मम्मी पापा को साउथ इंडियन फूड बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, दे आर ऑलवेज इन फॉर इट, उनको लाइक ये चाइनीज़ एंड ऑल दैट वो कुछ भी उतना पसंद नहीं आता है, या तो अपना नॉर्थ इंडियन स्टाइल हो या फिर जो साउथ इंडियन फूड रहता है वो उनको पसंद आता है। तो हम यहाँ पे आए हैं अगेन बरोडियंस, ये है 22nd पैरेलल एलेम्बिक सिटी वाला, बहुत अच्छा है ये, एम्बियंस अच्छा है, फूड भी अच्छा है, हाइजीन भी ठीक है, मतलब आपको पसंद आ सकता है, और पापा मम्मी को भी पसंद आया, हमको भी पसंद आया, तो वी हैड अ साउथ इंडियन डिनर नाइट। दो आई एम नॉट अ कॉफ़ी लवर बट दिस इज़ फिल्टर कॉफी विच आई लव, और एक अच्छे मील के बाद एक अच्छी कॉफ़ी मुझे पसंद आती है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट साउथ इंडियन मील, नाइस फूड, नाइस कॉफी। जय श्री कृष्ण, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक बार फिर बच्चे को शाबाश, थैंक यू। हाँ जी बहुत बढ़िया, बाल तो मिल रहा है, सामी के एक से ही है, कैसा लग रहा है, सामी के बाल एक से ही है, यहाँ मेरे पास देखो किसने बनाए, मैंने बनाया तो सुंदर, ऐसे लेके खड़ी हो जो सानू, ऐसे दिखाओ ऐसे, ये देखो ये सानवी ने बनाया, ये देखो मेरे कृष्णा मैंने बनाए, ये शानू ने बनाया है जन्माष्टमी पे कृष्णा, और शर्मा जी ये दो फ्रेम करा के लाए हैं, एक मम्मी के पास रहेंगे एक हमारे पास, अरे यार ये तो मुझे येलो चाहिए, मुझे येलो चाहिए, मुझे ग्रीन चाहिए, ओह माय गॉड, मम्मी बहन एक साइड से निकालो, मैंने से एक साइड से निकालो तो पड़ेगा, ये पकड़े तुम, पकड़े यहाँ पर, ये तो बाल ही इतने ऐसे आराम से फट जाएंगे, ओह गॉड शिट ये रबर है ना, हाँ यार भी ये पाँव में खुशी रहेगी, खुशी को पहना दो,
हाथ बचा के हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। पहले मम्मी को, हाँ पहले मम्मी को, चल नहीं 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 पहले मम्मी, पहले मम्मी, पहले मम्मी के चक्कर में गिर जाएगा। हाँ भाई नाक वाक पे नहीं लगाना पापा प्लीज, पापा नाक पे लगाना। चलो अब बच्चों की बारी, बच्चों पहले दादाजी को खिलाओ तुम। नहीं पहले आप खाइए, मेरे खिला दो, दादाजी को खिला लेना। हाँ अच्छा खिला लेना तो चलो। चलो अब दादाजी को खिला दो। हाँ ओ सरप्राइज। क्या बात है, और ये प्रिंट आउट भी खुद निकाले हैं सानी। वंडरफुल, ये हम दोनों ने बनाया है, लाइक दोनों जो है कुछ दे ये बस ये पहले के रखे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है, ये सब चीज़ से अच्छा है, सबसे बढ़िया और सबसे बढ़िया यही चीज है ना। दावत और सब बेकार, नहीं दावत अपनी जगह है ये, लेकिन ये तो सुपर एकदम बहुत बढ़िया, बच्चों की मेहनत है, बहुत बढ़िया। ये मैंने इनको मोटिवेट किया था कि बेटा ये ना हमेशा के लिए रहता है, और बड़ी मॉम तो संभाल के रख देती है अभी तक रखे हुए हैं। तो मैंने तो मेरे कार्ड, हां कंप्यूटर का, अरे उसने प्रिंटर भी खुद चलाया था आज, पता है प्रिंट आउट निकालने के लिए। अंदर चला सब लोग, चलो